हेलो फ्रेंड्स, विकी वाधवा रेड डेस्क क्रिकेट से। हमेशा की तरह आपका फिर से थैंक्स। आपने बहुत सपोर्ट किया पिछले वीडियो को भी और आप बहुत ध्यान से देखते हैं, इसके लिए फिर से थैंक्स। आज एक नया वीडियो, एक नए कंसेप्ट के साथ, जो हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए हेल्पफुल हो, बैट बाइंग के लिए, आपकी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए। ये एक कोशिश है हमारी, क्योंकि हम सब क्रिकेट को बहुत प्यार करते हैं और उसको, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। आप बहुत इंटरेस्ट से वीडियो देखते हैं, बहुत माइन्यूटली एक एक वर्ड सोच के बोलना पड़ता है, क्योंकि आप बहुत ध्यान से सुनते हो, उसके लिए थैंक्स। आज का वीडियो मैं लेके आया हूँ आपकी थोड़ी सी कंफ्यूजन दूर करने के लिए, कि हमें जो क्वेश्चन कलेक्टिव से आए हैं तो हम एक कंटेंट रेडी करते हैं आपके लिए। हमें बहुत से क्वेश्चन आए हैं कि नया बैट कैसे सिलेक्ट करें, हम जब बैट लेने जाते हैं तो हम उसमें क्या देखें जो हमारी गेम के हिसाब से सूट करे, हमारी पॉकेट के हिसाब से सूट करे। तो ये दो तीन पार्ट्स में बनेगा वीडियो, तो थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं। आज के वीडियो में मैं उनको गाइड करने वाला हूं जो मेरे जैसे प्लेयर हैं, जो संडे टू संडे खेलते हैं, सारा हफ्ता वो बैंक में जॉब करते हैं, संडे सुबह सुबह घर में क्लेश डाल के किट बैग उठा के चले जाते हैं, पूरा संडे भी बाहर रहते हैं। वैसे बहुत से हमारे दुकानदार भाई हैं जो बड़ी बड़ी मार्केट में शॉप करते हैं, संडे छुट्टी होती है बैट उठा के चले जाते हैं, किट बैग उठा के। बहुत से ऐसे जो पहले फुल टाइम क्रिकेट खेलते थे फन के लिए जब पढ़ते थे, बट अब टाइम नहीं है, अब क्लब क्रिकेटर हैं जो संडे टू संडे खेलते हैं और अपना शौक पूरा करते हैं। आप जैसे, मेरे जैसे इंडिया की 150 करोड़ जनता में कई करोड़ों होंगे, तो आई विश कि कई करोड़ों तक। तो आप, मुझे थोड़ा सा गिला भी है कि आप वीडियो देखते हैं पर आगे शेयर नहीं करते, क्योंकि हमें व्यूज काउंट बता देता है कितना लंबा चौड़ा व्यूज काउंट जाता नहीं है, 1000 व्यूज काउंट भी नहीं होते हैं। बट एनीवेज हम लगे हुए हैं अपनी ड्यूटी पर पूरी करने के लिए कि आप अवेयर हुए। तो अब आज के एपिसोड में हमने पिछले वीडियोस में कुछ एक कॉन्टेस्ट पूछा था, उसका रिजल्ट भी आने वाला है, उसके लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो, आप और हम बिल्कुल शौकिया क्रिकेट खेलते हैं, मैं आज उनको गाइड करने वाला हूं, जैसा मैंने पहले ब्रीफ किया कि जो क्लब क्रिकेटर है और जो संडे टू संडे खेलते हैं, उनको सारा दिन प्रैक्टिस नहीं कर सकते, वो दिन में प्रैक्टिस नहीं कर सकते, उनको सिर्फ संडे टू संडे खेलना है। तो आप लेदर बॉल क्रिकेट खेलते हैं, आप मैटिंग पे खेलते हैं, आप टर्फ क्रिकेट पे खेलते हैं, कहीं पे भी खेलते हैं, आपको जो बैट बाय करना है वो आपको अपनी गेम के हिसाब से बाय करना है। अब आपको ये अपने आप पे बिलीव करना ही पड़ेगा कि अब वो बात नहीं है कि आप जब कॉलेज टाइम में पढ़ते थे, आप रेगुलर खेलते थे, आपकी हर बॉल कनेक्ट होती थी, अब वो टाइम नहीं है। अब आप संडे टू संडे खेलते हो, आपके कुछ मिस हिट भी लगते हैं, आपको कुछ मिडल भी नहीं होती है, बॉडी साथ नहीं देती है, एज होगी है, तो अब उस हिसाब से आपको पहले वाले बैट की प्रोफाइल्स को छोड़ना होगा, आज की ट्रुथ को एक्सेप्ट करते हुए अपनी बैट की चॉइस करनी पड़ेगी। आप बहुत, आपका बजट बहुत हाईफाई है भाई, इसमें हाईफाई बजट की जरूरत नहीं है। अगर हमारी रिक्वायरमेंट फोर सीटर कार की है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा हाथ नहीं जा रहा है, हमारा बजट नहीं अलाउ करता कि हम 9 सीटर ले लें, हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो उसको आगे बढ़ाते हुए अगर आप क्लब क्रिकेटर हैं तो आपको बहुत महंगी रेंज हम एडवाइज नहीं करते। महंगी रेंज के जो बैट होते हैं उसमें लकड़ी बहुत सॉफ्ट होती है, वो बनी हुई होती है बहुत अच्छी बॉलों की। आप में से जितने भी देखने वाले हैं वो तकरीबन 250-300 से ऊपर का बॉल यूज नहीं करते, हम भी नहीं करते भाई, ऐसे करें हम भी नहीं करते यूज। तो उन बॉलों के लिए टॉप एंड बैट नहीं बने हुए हैं, वो बने हुए हैं अच्छी बॉलों के लिए, उन प्लेयर्स के लिए जैसे कि हम पहले थे, रोज खेलते थे, हर बॉल मिडल होती थी, कनेक्ट होती थी, अच्छा खेलते थे, तब बॉलें भी अच्छी थी, अब वो टाइम नहीं है। तो हमें बड़ा वाइजली चूज करना पड़ेगा अपना बैट। हमें कोई भी कंपनी का बैट जिसकी MRP 10,000 से ऊपर है वो हमारे लिए नहीं बना। हम बिल्कुल, हमें चाहिए बेसिक या मिडल ग्रेड का बैट। हाई एंड बैट की लकड़ी बहुत सॉफ्ट होती है, महंगी भी होती है और टूट भी जल्दी जाती है। तो आपको क्या करना है, कोई भी कंपनी का, मैं नहीं कहता कि रेड डाइस का, आप जरूर विजिट करो, ट्राई करो, हमारी बेसिक रेंज है,
एक्वा रेंज है, रेक्टल रेंज है, कोबाल्ट रेंज है, ये सब मीडियम रेंज की है। आप वेबसाइट विजिट करो, आपको वहां बहुत अच्छी बेड मिलेंगे। उसमें उसमें आपको क्या वरी नहीं करना है और क्या देखना है, नीचे की रेंज में ये हल्के फुल्के वाटरमार्क बटरमार्क होंगे, इसके लिए आपने वरी नहीं करना है। कोई बात नहीं, ये नीचे की रेंज में होते हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए ग्रेन्स भी ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हल्के फुल्के दाग है, बिल्कुल मैटर नहीं करना, दिमाग में बॉदर नहीं करना। हमने अपने स्टिकर लगा के देने, हमने मतलब कोई भी कंपनी का आप लोगे उसने अपना नाम लगा के देना है आपको, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपसे ज्यादा है आपको अच्छी चीज देने की। नेचुरल प्रोडक्ट है, ऑफकोर्स हम गारंटी नहीं दे सकते, पर हम बहुत मेहनत करके कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं जिसके ऊपर हमारा नाम होता है। तो हल्का फुल्का मार्क हो कोई बात नहीं, बेसिक रेंज है, उसके ऊपर फाइबर टेप लगी होती है। ये फाइबर टेप हमने इसलिए लगाई होती है, हम खुद ही एडवाइज करते हैं कि नॉकिंग से पहले फाइबर टेप नहीं लगाते हैं। पर कई लोअर एंड बैट में जैसे आप देख रहे हो इसमें ग्रेन्स कुछ टेढ़े हैं, ये फुल प्रेस बैट है, जिस बैट में कोई भी प्रॉब्लम होती है हम पहले ही सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर फिर भी कोई बैट हमारे हाथ से निकल जाता है ना, तो प्रेसिंग एक प्रोसेस ऐसा है जिसमें बैट का लिटमस टेस्ट होता है, जिसने नहीं परफॉर्म करना होता ना वो वहीं पे टूट जाता है। जो वो उस टेस्ट से निकल जाता है दैट मींस कि वो बैट परफॉर्म करेगा। इसकी ग्रेन्स क्रिस क्रॉस है, डबल शेड है, हमने इसको पार्ट नॉक करके इसके ऊपर कट लगा के फाइबर टेप लगा दिया, ये भी इक्वली गुड है। आप इसको अपना मैच बैट बना सकते हो, आप संडे टू संडे खेलते हो, ये नॉर्मली 3,500-4,000 की रेंज में बैट मिल जाता है, इंग्लिश विलो बैट, अच्छा बैट है, फुल वैल्यू फॉर मनी होगा, हमारा नाम लगा हुआ है इसके ऊपर, आपको फुल वैल्यू फॉर मनी मिलेगी। तो ऐसा भी बैट आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको मेनली देखना क्या है, आपको देखना ये है कि आपकी मिस हिटें लगती हैं, उस बैट की टो बहुत ज्यादा पतली ना हो। ये 30 mm की टो है, 30 mm मतलब 1.25 इंच, कम से कम जिस बैट की टो 1 इंच की 25 mm या उससे ज्यादा हो, प्रेफरेबली वो बैट आपके लिए सूटेबल है। उससे कम वाली टो आपकी मिस हिट होगी, मेरी मिस हो जाती है, बैट टूट जाता है। तो आप ट्राई करो बस जो देखने के लिए। और रही बात वेट की, अब वो टाइम नहीं है, आपकी वो एज नहीं है, ना ही वो आपका गेम टेक्निक है कि आपकी हर बॉल मिडल हो रही है, ठीक है ना। अब आप पुराने 10-20 साल पहले वाले बैट छोड़ दो, कीजिए तब तो मैं जी 1150-1180 ग्राम से खेलता था भाई, तब सारी कनेक्ट होती थी, बीच में लगती थी, अब कभी कभी खेलना है मिस हिट भी होगी। तो आपको थोड़ा सा बैट वेट में शिफ्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा बैट मोटा लो, हल्का सा वेटेड बैट हो, 12-20, 12-30, 12-40, 12-50 तक का बैट हम मेकर्स ने इतनी स्मार्टली बनाया हुआ होता है कि आपको जो पहले आप यूज करते थे 1180 और 1240 के बैट की फील में कोई फर्क नहीं लगेगा, क्योंकि हमने लकड़ी के वेट के हिसाब से उसकी प्रोफाइल एडजस्ट की हुई होती है। तो आपको जो ध्यान रखना है, आपको बहुत हल्का बैट यूज नहीं करना है, क्योंकि आपके पैसे पूरे नहीं होंगे, वो बैट टूट जाएगा। क्योंकि बॉलों की क्वालिटी मैं हर वीडियो में कहता हूँ नीचे से नीचे जा रही है, उसको फेस करने के लिए बैट में कुछ ना कुछ तो वुड होना चाहिए। इसके अलावा और इकोनॉमिकल चीज होती है कश्मीर विलो बैट। कश्मीर विलो बैट आज की डेट में बहुत हमने इम्प्रूवमेंट किया, सबने इम्प्रूव किया है, क्योंकि इंग्लिश विलो काफी कॉस्टली हो जाती है। इंग्लिश विलो का स्टार्टिंग बैट अच्छा जो है वो 3,500-4,000 से कम का नहीं आता। हमने बड़ा इकोनॉमिकल रेंज रखी है कश्मीर विलो की, हम 2000 में ले देते हैं ये वाला बैट, मांबा बैट। बट नॉर्मली कंपनीज का यही रेंज का बैट 3,000 का बेस्ट कश्मीर विलो बैट होता है, और लास्ट ग्रेड 4,000-4,500 से शुरू होती है। हमारे रेट्स बड़े इकोनॉमिकल है, आप एक बार देखना जरूर साइट में जाके। तो जिसको एक सस्ता वेरिएंट चाहिए तो वो अच्छे कश्मीर विलो के लिए भी जा सकता है, प्रोवाइडेड आपको उसमें थोड़ा सा और हैवी यूज करना पड़ेगा। 1260-1270 ग्राम का वेट कुछ नहीं कहता, हमने संडे टू संडे खेलना है, हमारे हिस्से में सिर्फ 5-5, 8-8, 10-10, 15 बॉलें आनी होती हैं हिस्से में। अगर उसी में भी हमने नखरा करना शुरू कर दिया कि यार 11-20, 11-30 वाला बैट, तो होता क्या है, हम संडे टू संडे खेलते हैं ना, एक शॉट क्लियर हो गया पूरा हफ्ता उसकी फिल्म चलती रहती है दिमाग में। तो कम से कम हम वो तो चीज लें जिससे सर एक कनेक्ट हो जाए।
तो कश्मीर विलो का अच्छा बना हुआ बैट ठीक ठाक मोटाई का आपने वो इक्वली परफॉर्म करेगा, क्योंकि कश्मीर विलो हार्ड होती है, जो आज का बॉल है वो भी काफी हार्ड है, तो आप इसके ऊपर अच्छा कश्मीर विलो के ऊपर भी टाइम लगा लेंगे ना तो ये इक्वली परफॉर्म करेगा। आपको इसमें कोई भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि कश्मीर विलो जो है वो इंग्लिश विलो से कम परफॉर्म करेगा। स्ट्रोक में थोड़ा सा तो फर्क होता है, ऐसे नहीं ऐसे पैसे में फर्क होता है, बट इतना लंबा चौड़ा फर्क नहीं होता, हमें फील नहीं होता हम संडे टू संडे खेलने को नहीं। अब क्वेश्चन ये आता है, आप पूछोगे महंगे बैट क्यों नहीं लेने। महंगे बैट आपके पॉकेट अलाउ करती है भाई, महंगे बैट आप ले सकते हो, पर महंगे बैट लेने क्यों नहीं है। महंगा बैट जो होता है, महंगे बैट की जो लकड़ी होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है, जो हमारी सस्ती बॉल है हम महंगा बैट ले लेते हैं, एक तो हमें उसके ऊपर टाइम बहुत लगाना पड़ेगा और बहुत ध्यान से चलाना पड़ेगा। सॉफ्ट लकड़ी, लकड़ी की जो ब्यूटी होती है उसकी सॉफ्टनेस में होती है, अच्छे बॉलों से वो पता चलती है। आप सस्ते बॉलों से खेलो, खेली जाओगे इसके साथ, मारे जाओगे मारे जाओगे, ये लकड़ी की सॉफ्टनेस खत्म हो जाएगी और इसकी लकड़ी का टेक्सचर हार्ड हो जाएगा। भाई अगर हार्ड टेक्सचर से खेलना था तो इतना महंगा बैट क्यों लेना, फिर सस्ते वाले ना लेने, जिसमें हम कह रहे हैं कि इसका सरफेस हार्ड होता है, तो फिर क्यों पैसे लेके खराब करना, इतने ध्यान से चलाना। तो ये एक रीजन होता है कि जो कभी कभी खेलने वाले लोग हैं उनको मैं महंगे बैट एडवाइज नहीं करता, वो अब आपको समय लग गया होगा। कुछ एक क्वारी और थी कि ग्रेन्स, कोई भी आप देख लो वीडियो क्रिकेट के रिगार्डिंग, वो बैट की डिटेलिंग करेगा, वो सबसे पहले कहेगा जस्ट सी द ग्रेन्स 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं आपको पहले थोड़ा सा मोटा मोटा बता दूं ग्रेन्स एक्चुअली होते क्या है। ग्रेन्स से कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ता, वाइड ग्रेन का बैट सारी जब से क्रिकेट चल रही है 6-7 ग्रेन का बैट प्रेफर किया जाता था, पाजी ने छक्के मार मार ग्राउंड लाइन क्रॉस करा दिए, 6-7 ग्रेन से ऊपर बैट यूज ही नहीं करते थे। एक बार मैं गलती से ले गया 12-13 ग्रेन का, उत्तम न्यायालय ट्रेंड था तो मुझे भी था कि मैं कह रहा पाजी के लिए लेके जाऊं, लेके गया और कश्मीर में, मैंने कहा नहीं जी आजकल इसका फैशन है, बोलते नहीं भाई मेरे को 6-7 ग्रेन वाला बैट दो मैं उसी से हैप्पी हूँ। तो ग्रेन्स कोई भी मैटर नहीं करती, मैटर करता है वुड का टेक्सचर। मैं आपको बताता हूं कि ग्रेन्स कैसे बनते हैं, ग्रेन्स होते क्या है। देखो ये पेड़ होता है, ये पेड़ है, ये लकड़ी का लॉग है, ठीक है। ये जो लकड़ी का ये सेंटर पॉइंट ना, ये जो मैंने अब बनाया है, इसी से ही पेड़ को सारी नरिशमेंट, खाना पीना सारा पेड़ का इस डॉट से होता है। हर एक साल बाद अंदर से एक सर्कल फूटता है और बाहर की तरफ एक्सपैंड होता जाता है, हर साल अंदर से एक सर्कल फूटता है और ये बाहर की तरफ निकलता जाता है, निकलता जाता है, और ये पेड़ ऐसे 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 बनता जाता है, ठीक है जी। अब इसकी ग्रेन्स कैसे बनती है, मतलब बैठकर आपको ग्रेन्स इसमें कहीं नहीं दिख रही होती। आपने बहुत से वीडियोस फोटो देखे हुए होते हैं कि ऐसे लकड़ी का लॉग होता है, हल्का सा यहाँ यहाँ से डार्क होता है, यहाँ यहाँ से डार्क होता है। अब इसकी कैसे बनते हैं, देखो इसमें क्या करते हैं, इसको इसमें से ना जैसे हम केक काटते हैं ऐसे इसकी ना पाइस काट लेते हैं, ठीक है। अब हमने एक पाई हमारे पास आ गई, हमने ये वाली निकाल ली, ये डार्क सा हिस्सा होता है, ठीक है जी। ये पाई हमने इधर से निकाल ली, ये जो सरफेस है ये बनेगा बैट का फेस, इसमें जो जो ग्रेन्स आ रहे हैं ये आ रहे हैं, ठीक है ना। फिर ये जो हिस्सा है ये हम इसको कोशिश करते हैं कि इधर से काटते हैं, इधर से काटते हैं, ऐसे करके एक बैट की लकड़ी हमारे पास आ जाती है। ये देखो ग्रेन्स, इसमें ये होती है ग्रेन्स की डिटेलिंग। इसने परफॉर्मेंस में क्या फर्क डाल देना है, फर्क इसने डालना है कि पेड़ का रख रखाव कैसे किया हुआ है, इसकी खेती कैसे की गई है। ये इंग्लैंड से आती है लकड़ी, इसकी प्रॉपर खेती है, प्रॉपर साइंस है इसके पीछे में, इतने रिसर्च किए हुए हैं लेबोरेटरी में, इसकी एक प्रॉपर फार्मिंग होती है। तो जितनी लकड़ी प्रॉपरली नरिश्ड होगी, उसका पालन पोषण अच्छा किया होगा, लकड़ी का टेक्सचर अच्छा होगा। कोई लकड़ी ऐसी होती है सिंस नेचुरल प्रोडक्ट है, जिसके नीचे जमीन कोई हार्ड है उसमें टेक्सचर हार्ड हो जाता है, कहीं पे खाने पीने की क्लाइमेट की कोई प्रॉब्लम होती है जिसमें प्रॉपर नहीं जा रहा उसमें लकड़ी हार्ड हो जाती है।
तो ये पार्ट एंड पार्सल होता है, ये नेचुरल प्रोडक्ट है, तो इस वजह से ग्रेन्स की वजह से क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जो भी कोई ऐसे गिनती करके बताता ना 1 2 3 4 5 ओहो वेरी नाइस 10 ग्रेन्स बैट, ऐसा कुछ नहीं होता। कई बार बहुत कई बार 15 ग्रेन्स की लकड़ी आती है, पर उसमें वेट इतना ज्यादा, वो लकड़ी इतनी हार्ड होती है, उसका कैसे हम बेचेंगे। आती है कई बार लकड़ी, तो ग्रेन्स के पीछे कभी नहीं भागना। आप अपना बजट देखें, आपकी रिक्वायरमेंट उतनी ही है। आई रिकमेंड कि आप लोअर मिडिल ग्रेड बैट लो और संडे टू संडे खेलो। अगले वीडियोस में मैं उनको गाइड करूंगा जो बच्चे एकेडमी जाते हैं उनको कैसा बैट लेना चाहिए। उससे अगले वीडियो में मैं ट्राई करूंगा उनको गाइड करने के लिए कि जो प्रोफेशनली बच्चे खेलते हैं जिनको 5-5 साल हो गए, अंडर 16 अंडर 19 खेल रहे हैं, उनकी गाइडेंस के लिए एक और वीडियो आएगा। तो कोशिश करेंगे कि आपकी कंफ्यूजन धीरे 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 हम सारे रिमूव करते जाएं। आप बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। अब टाइम है पिछले कॉन्टेस्ट को के विनर को डिसाइड करने का। हमने पिछले वीडियो में पिछले वीडियो में पूछा था कि आपको एक प्लेयर को गेस करना है जिसने बैटिंग में भी कुछ नहीं किया, जिसने फील्डिंग में भी कुछ नहीं किया और बॉलिंग में भी बेचारे को कुछ नहीं विकेट मिला, फिर भी वो मैन ऑफ द मैच बना। उस प्लेयर का नाम है कैमरून कफी। 23 जून 2001 को कोका कोला कप में वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे का मैच था। उस बंदे के बॉलिंग फिगर थे 10 ओवर 2 मीडियन 20 रन और कोई विकेट नहीं, और उस बंदे की बॉलिंग की वजह से ही वेस्ट इंडीज ने मैच जीता था। तो हमारे पास बहुत सारे विनर तो नहीं आए हैं, हमारे पास कुछ विनर्स आए हैं जिसकी हमने ये लॉटरी कर रखी है, और टोटल 5 विनर आए हैं। एंट्रीज बहुत सी आई थी बट गलत जवाब बहुत सबका ही, ऑलमोस्ट जो आप गेस करोगे देखो 5 अगर विनर है तो गलत कितने लोगों का था। तो इसमें से एक लॉटरी ट्राई करेंगे, ये फर्स्ट टाइम है हमारा, बट नेक्स्ट टाइम से कुछ और देखेंगे। कि इसमें से अब ये जो आंख बंद करके उठा लेते हैं तो विनर आप मेरे को बताएंगे कि विनर कौन है। मिस्टर हर्ष आनंद कॉन्टेस्ट के विनर हैं। तो आई रिक्वेस्ट हर्ष जी आप अपना प्राइज क्लेम करें, व्हाट्सएप नंबर ऊपर डिस्प्ले हो रहा है। हर्ष आनंद जी आप व्हाट्सएप पे हमें कॉन्टेक्ट कीजिए और अपना रेड एस का मांबा बैट ये अब आपका है। आप टेनिस क्रिकेट खेलते हैं, आपको लेदर बॉल बैट नहीं चाहिए, आपको टेनिस बैट चाहिए, आप टेनिस बैट में इसको चेंज करा सकते हैं। कहने का मतलब कि आपको जो कुछ भी चाहिए, इंग्लिश विलो नहीं क्योंकि हम इसमें कश्मीर विलो का ही था ऑप्शन, आपको इंग्लिश विलो चाहिए तो इतनी अमाउंट हम उसमें से लेस कर देंगे। तो फ्लेक्सीबल है, अब ये बैट आपका है, आप अपने डिटेल भेजिए व्हाट्सएप पे और ये बैट आपका हुआ। ऐसे ही कॉन्टेस्ट और आते रहेंगे, आप इन्वॉल्व रहें। फिर एक बार रिक्वेस्ट है भाई प्लीज शेयर करते रहो, ट्राई कर रहे हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा एजुकेट किया जाए क्रिकेट इक्विपमेंट्स के रिगार्डिंग। अभी बैट की नहीं हमारी खत्म हो रही सारी डिटेलिंग, पैड ग्लव्स किट बैग कई कुछ पड़ा हुआ है हमारे पास आपको दिखाने के लिए। तो कीप वॉचिंग कीप शेयरिंग, हमारी वेबसाइट के ऊपर जरूर जाइए। अगले एपिसोड में अगले वीडियो में एक नया कॉन्टेस्ट शुरू होने जा रहा है, और इस वीडियो को प्लीज ज्यादा स्प्रेड कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, सो दैट सभी इसमें पार्टिसिपेट करें, सभी को नॉलेज मिल सके एज रिगार्ड टू क्रिकेट इक्विपमेंट्स। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, शेयर कर दीजिए फेसबुक पे, इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।